हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, गाइस हमारे पास यहां पे एक एयर कूलर है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इस एयर कूलर में हम एक ऐसा सर्किट बना के लगाने वाले हैं जो पानी की बचत करेगा। तो वो क्या है, किस तरीके से काम करता है, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो गाइस, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए गाइस, शुरू करते हैं यहाँ पर वीडियो। तो शुरू करते हैं सर्किट बनाने के लिए। तो गाइस, उससे पहले सब कंपोनेंट क्या क्या लगने वाला है ये आप देख लीजिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इस रिले को चलाने के लिए यहाँ पे 12 वोल्ट का एक एलईडी स्ट्रिप या 12 वोल्ट का एडाप्टर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और गाइस, यहाँ पे IN4007 यहाँ पे एक डायोड चाहिए, और यहाँ पे BC548547 का यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर चाहिए, और यहाँ पे 10K का एक रेजिस्टेंस चाहिए, और ये यहाँ पे जो है ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे जो है एक रिले चाहिए, 12 वोल्ट का रिले है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से कंपोनेंट है और कुछ वायर चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रिले है, रिले में यहाँ पे 5 पिन दिए गए हैं। तो ये जो है गाइज, ये स्विच का है, ये एक, ये एक, ये एक, तो इस तरीके से ये 3 है, ये स्विच के हैं, और ये जो लास्ट के हैं ये कॉइल के। तो यहाँ पे हम एक डायोड लगाएंगे, तो डायोड कुछ इस तरीके से लगाने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं गाइज, हम इस तरीके से यहाँ पे हमने डायोड लगाया है। तो यहाँ पे हमारा जो है कॉइल के वायर है यहाँ पे, तो गाइज हम इसमें यहाँ पे डायोड लगाया है इस तरीके से। तो इस रिले को हम ट्रांजिस्टर लगाएंगे। तो ट्रांजिस्टर लगाने के लिए यहाँ पे जो कलेक्टर है, कलेक्टर यहाँ पे जो है ये कॉइल पर लगने वाला है रिले के। तो इस तरीके से यहाँ पे लगा दूंगा, तो ये लग चुका है। और जो बीच का जो वायर है यहाँ पे बेस का, बेस को हम बाजू निकालेंगे यहाँ पे अलग से। तो ट्रांजिस्टर के बेस पर हम 10K का रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो इस तरीके से हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हम सेंसर के वायर लगाएंगे जो वाटर सेंस करेगा। तो ये हमारे पास इतना सा वायर है, और इसे मैं सेंसर में लगा देता हूँ। तो एक 10K पे लगेगा। तो रेजिस्टेंस पे एक लगेगा सेंस करने के लिए, और ये लगेगा यहाँ पे जो कॉइल का जो डायोड है वहाँ पे लगेगा, जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है वहाँ पे लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे जो कनेक्शन लग चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अच्छे से यहाँ पे चिपका देता हूँ टेप लगा के। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमने रिले को चिपकाया है यहाँ पे। अभी इसमें पावर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राउंड है, तो ग्राउंड इस ट्रांजिस्टर पे लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे लग चुका है ट्रांजिस्टर पर। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमारा जो है रिले पे लगने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारे जो पावर के वायर लग चुके हैं यहाँ पे। अभी हमें करंट के वायर लगाना है जो मेन पंप चलाने के लिए। तो यहाँ पे एक हम कॉमन एक अलग से दे देंगे। तो जैसे कि ये हमारे पास काला वायर है, तो ये जब हम यहाँ पे 220 वोल्ट देंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ से अलग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम एक वायर लगाएंगे। तो ये हम जो दूसरा है 220 वोल्ट का न्यूट्रल फेस, एक यहाँ पे लगाएंगे हम, जो ये जाएगा गाइस तो रिले पे जाएगा एक वायर। और ये जो सेकंड वायर है यहाँ पे जो 220 वोल्ट बाहर निकालने के लिए, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे लगेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा जो है पंप के जो वायर है, तो यहाँ पे 220 वोल्ट इन होगा, ठीक है, और ये जो है हमारे जो पंप को लगने वाला है, पानी के पंप को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है वायरिंग है। ठीक है, तो अभी मैं इसे अलग रख देता हूँ और इसे टेप लगा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं बताऊंगा यहाँ पे और आप इसे अच्छे से लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम कूलर में लगाएंगे इस सर्किट को। तो देखिए गाइस किस तरीके से फिट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे जो है हमारे जो पंप के वायर है, तो इससे पंप के वायर को मैं इस तरीके से निकाल दूंगा। तो ये पंप का पावर पूरा इस पे आने वाला है,
तो यहाँ पे हमारा जो है सर्किट लगने वाला है। तो यहाँ पे जो सर्किट में इस तरीके से ले लेता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे जो हम दो वायर निकाले थे यहाँ पे जो एडाप्टर के, यहाँ पे हम इसमें लगा देंगे। और जो दूसरा वायर है वो भी लगा देंगे उस दूरी। तो ये जो है कनेक्शन लग चुके हैं, यहाँ पे जो है मॉड्यूल पर पावर आएगा। और यहाँ पे हमारा रिले कुछ इस तरीके से मैं इसमें यहाँ पे फिट कर देता हूँ। तो ये जो वायर है पंप पर जाएगा, एक डायरेक्ट जाएगा पंप पर और एक रिले का जाएगा यहाँ पर। और इसे भी मैं अच्छे से टेप लगा दूंगा क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट आने वाला है। और ये है हमारे सेंसर के वायर। तो गाइस सेंसर का वायर इस तरीके से है। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो सेंसर के जो वायर है इसे इस तरीके से हुक लगाया है। और ये जो इसमें जो ग्रे वायर है ये 10K के रेडिएशंस को लगा हुआ था ट्रांजिस्टर के। और ये है जो कलेक्टर पे लगा हुआ है ये वायर, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर का वायर है मैं इसे एक एक जगह पे लगा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो है ये कहीं पे भी ग्राउंड पे लगा देता हूँ, मतलब यहाँ पे तार पे लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो मैं इसे पावर ऑन करता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे जो है पूरा पैनल भीगा हुआ है तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है पानी का पंप चलने वाला नहीं है यहाँ पे। अगर ये सूख जाता है तो ये पानी का पंप चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसे निकाल दूंगा। तो अब देखिए, तो देखिए इस तरीके से चल रहा है। तो ये सूखने पर चलेगा, फिर ये इस तरीके से भीगने पे पानी बंद हो जाएगा, मोटर बंद, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है गाइस। तो वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस।